दोस्तों, बिना वायर के आपका सेटअप बॉक्स चलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि वायरलेस डीटीएच डिश एंटीना कैसे बनाते हैं और वायरलेस डीटीएच डिश एंटीना कैसे काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिश। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको अगली वीडियो में मिल सकता है बिल्कुल फ्री में फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। तो दोस्तों, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इस वायर को अपने वायरलेस डिश एंटीना पे लेके गया और यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल हमारे पास फुल आ गया। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से ये वायरलेस डिश एंटीना काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 74% सिग्नल है और हमारे सेटअप बॉक्स में सिर्फ ये वाला वायरलेस डिश एंटीना लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये वायरलेस डिश एंटीना कैसे बनता है और कितना दूर तक ये वर्क करेगा, तो दोस्तों अगर आपको ये छोटा मोटा खिलवाड़ पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मजा आता है ऐसी चीजों पे काम करना, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजों से थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ती है और दोस्तों दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सारे TV चैनल हमारे पास चल रहे हैं वायरलेस डिश एंटीने की मदद से। ये बात नोट कर लीजिएगा, वायरलेस डिश एंटीने की मदद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 74% सिग्नल है, लेकिन दोस्तों वहीं पे जब हम अपने एक दूसरे वायर को दूर ले जाते हैं, एंटीने के वायर को दूर ले जाते हैं, तो सिग्नल थोड़ा सा कम हो जाता है। आप लोग हमारे सेटअप बॉक्स में देख सकते हैं एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है और एंटीने के का ये वायर है और वायर को मैंने सेटअप बॉक्स पे सिर्फ रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारे बोर्ड में लगा हुआ है जो एंटीने का वायर है वो, तो देख सकते हैं एडाप्टर की मदद से मैंने लगाया है। तो किस जुगाड़ से लगाया है ये भी मैं दिखाऊंगा। देखिए, पास आए, सिग्नल बढ़ गया। तो दोस्तों, वायरलेस डिश एंटीना अब आप सभी बना सकते हैं। बड़ी आसान सी ट्रिक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही गजब ये होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप तुरंत कर दो लाइक, क्योंकि दोस्तों ऐसा जुगाड़ आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए, अब आगे मैं आप लोगों को इसकी सारी डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल चला गया, दूर लेके गया और दोस्तों नज़दीक आया, सिग्नल हमारे पास आ गया। जितना सिग्नल एंटीने का वायर लगा के आपको मिलेगा उतना ही सिग्नल इस वायरलेस एंटीने से मिलने वाला है। इसमें क्या क्या ट्रिक्स है सब मैं बताऊंगा। एक बार और आप लोग मेरे इस बॉक्स को देख लीजिए। इस बॉक्स में दोस्तों ऑडियो वीडियो वायर और पावर के वायर के अलावा और एंटीना वायरलेस डिश एंटीने के अलावा कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे पास ये झमाझम चल रहा है। इसको और ऊपर उठा देते हैं और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एंटीने में सबसे पहले दोस्तों एंटीने से एक वायर आया है और उस वायर को मैंने बस सप्लाई दिया है, यानी कि आपको अपने LNB को इस कनेक्टर की मदद से सप्लाई देनी है। अब ये कनेक्टर इसमें लगाना कोई ज़रूरी है क्या, तो दोस्तों आगे हम बताएंगे ना आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस कनेक्टर को लगा दिया और जो हमारा पावर वाला जुगाड़ है जिसे मैंने बनाया है उसको दोस्तों इसमें मैंने लगा दिया। बस दोस्तों हमारा काम हो गया। ये देखिए पावर एडाप्टर की ये पिन यहाँ पे है और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे LNB में ऐसे अच्छी तरीके से लगा दिया, या डायरेक्ट भी आप पावर यहाँ से दे सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट ही देके आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्ट आपको 12 वोल्ट की जो पावर होती है वो आपको LNB में देनी होती है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वायर है और ये वायर आता है हमारे सेटअप उसमें पावर एडाप्टर में, देख सकते हैं आप लोग, लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये हमारा सेटअप बॉक्स है, यहाँ पे सेटअप बॉक्स में भी देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा उम्दा जुगाड़ है और इस जुगाड़ की मदद से आप लोग मजा कर सकते हैं और नए नए TV चैनल को देख सकते हैं। अब दोस्तों आ चुके हैं स्टूडियो में और यहाँ पे दोस्तों टेबल पे मैंने ये जुगाड़ बनाया है, उसको बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों एक आपको RG6 वाला केबल लेना है, उसमें एक कनेक्टर लगाना है और तार कुछ इतना बड़ा होना चाहिए। ये वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों ये माइनस का होता है और ऊपर जो तार निकला है वो प्लस का होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस पन्नी को भी आपको निकाल लेना है वायर से, नहीं तो शॉर्ट करेगा, आपका चार्जर ख़राब हो सकता है। दो वायर लेनी है दोस्तों, यहाँ पे रेड या वाइट ले सकते हैं या ब्लैक ले सकते हैं या कोई सा भी वायर ले सकते हैं, आपको बस मालूम होना चाहिए कि प्लस और माइनस कौन सा है। दोस्तों उस वायर को हमें अच्छी तरीके से यहाँ पर काट देना है और काटने के बाद दोस्तों इसे छील लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए दो टुकड़े में मैंने छील लिया इसे
और इसके बाद से दोस्तों यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। और यहाँ से भी हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसको, यहाँ से ये देखिए ये निकल गया। और यहाँ पे ये इतना ही बड़ा वायर रहेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका सेटअप बॉक्स पक्का है डेड हो जाएगा। दोस्तों इस वायर को मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से लगा देता हूँ, ये देख लीजिए आप लोग, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगेगा और इसे मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे मोड़ देता हूँ प्लास की मदद से, ताकि ये मजबूत रहे। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह तरीके से आपको लगा देना है। ठीक है, बस इतना करना है कि दोनों वायर आपके आपस में जुड़े ना, नहीं तो आपका चार्जर एडाप्टर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा दोनों कंडीशन में वायरलेस एंटीना बनाने में भी। अभी तो ये LNB में जो आप सप्लाई देंगे उसके लिए ये जुगाड़ है, या तो अगर आपका कोई सेटअप बॉक्स लगा है उसका एंटीने का वायर, आप ऐसा इस तरह कर सकते हैं कि आपका सेटअप बॉक्स दूसरे कमरे में है तो कुछ इस प्रकार से वायरलेस सिर्फ एंटीना बना के, क्योंकि एक सेटअप बॉक्स में आप तो दूसरे कमरे में चला रहे हैं तो उसमें तो सप्लाई जा ही रहा है, और आपका जब चल रहा होगा आपका दूसरे कमरे में टीवी तो ये अपने आप कैच करेगा आपका दूसरा वाला सेटअप बॉक्स। तो ये तो मैं अगर मान लो सिंगल आपका पास कनेक्शन है तो ये तो सिंगल कनेक्शन के लिए ये वाला जुगाड़ बनाना होगा और एक एडाप्टर आपको लेना होगा, और उस एडाप्टर को कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए आप लोग एडाप्टर है, एडाप्टर की पिन है, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से ये एकदम अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बांध लेना है, और उसके बाद से जो दूसरा वायर है इसको मोड़ लेना है। ठीक है, ये मैं टेम्परेरी बना रहा हूँ, तो टेम्परेरी में तो दोस्तों आप लोग जानते ही हो, आप लोगों को सिर्फ दिखाना है कि कैसे आपको अगर मान लो चेक करना चाहते हो बनाकर, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो बना के, बस टेप मारो यहाँ पे धकाधक और बस आपस में वायर जुड़े ना दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। वायरलेस डिश एंटीना, वायरलेस डिश एंटीना दोस्तों हर कोई के बस की बात नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे अच्छी तरीके से तो बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा अपने जो सप्लाई है इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे मीटर में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए मीटर में हमारे पास आ रहा है, कहीं से वायर शॉर्ट नहीं है, अब फर्स्ट क्लास हमारे पास वर्क ये कर रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जो दूसरा है इसको आपको एक इतना ही बड़ा वायर लेना है और उसका जहाँ पे जो वायर है कम से कम ज़्यादा आपको छील लेना, एक मीटर का लेना है और आधा मीटर छील के उसे लच्छा बना लेना है, और बाकी उसका जो माइनस वाला पॉइंट है जो ये लच्छा है एंटीना टाइप में बना है इसमें चिपके ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, और बस आपके पास ये काम करना स्टार्ट कर देगा। बस ये ऐसा है, पुराने ज़माने में जो एंटीना लगता था उसी हिसाब से है, रेडियो सिग्नल के हिसाब से है, ये रेडियो सिग्नल आपका जितना तगड़ा होगा उतना ही तेज ये खींचेगा, समझ रहे हो बात, जैसे कि रेडियो में होता था या पहले टीवी होती थी एंटीना होता था, तो वैसे ही ये सब समझो ये जुगाड़ है, और इस जुगाड़ के माध्यम से आप अपने सेटअप बॉक्स को वायरलेस बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आपके एंटीने से कितनी तेज फ्रिक्वेंसी निकल रही है, जितना तेज आपके एंटीने से फ्रिक्वेंसी निकलेगी उतना तेज ये कैच करेगा और उतना फर्स्ट क्लास वर्क करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका दूसरे रूम में लगा है डिश और उसके बाद से उसी के दीवार के जस्ट बगल में दूसरी दीवार के साइड में आपका दूसरा टीवी लगा है, तो आप इस वायरलेस एंटीने की मदद से आराम से बिना तार से के आप अपनी दूसरे बॉक्स को चला सकते हैं एकदम 100%। अगर दूरी है तो उस कंडीशन में आपके पास ये ध्यान रखिएगा सिग्नल जो है वो पास ज़्यादा होना चाहिए, यानी सिग्नल ज़्यादा होना चाहिए तभी ये कैच कर पाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो भी बताइएगा, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर कोई भी वायर एक में चिपका तो या तो आपका सेटअप बॉक्स जाएगा या तो आपका एडाप्टर जाएगा, ये ध्यान रख कर ही आप इस जुगाड़ को बनाइएगा। बेहतर जानकारी के लिए बस साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हम मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।